जो माई चलो कुछ अच्छा किया शहीद वॉल परिवार, इन्होंने जो कार्यक्रम रखा है उसके मैं जब से मैंने ज्वाइन किया उससे तब से मैं सर ने कहा कि आज़ादी पर इन्होंने सवाल उठाया और सर ने व्यवस्था को बोला। मुझे लगता है कि ये जो आज़ादी पे सवाल उठा है या फिर व्यवस्था पे सवाल उठा है, इस व्यवस्था को आज़ादी को अगर कहीं से खतरा हुआ है तो ये लोकतंत्र ही है, ये हम लोग या फिर ये जो भारत की जनता है इसने इसे एक्सेप्ट किया है कहीं ना कहीं, क्योंकि कहीं उच्च वर्ग के लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इन व्यवस्थाओं की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो इन व्यवस्थाओं को पैसे देकर खरीद लेते हैं। आज हमारे देश की व्यवस्था इतनी गिर चुकी है, चाहे वो पुलिस व्यवस्था हो, कानून व्यवस्था हो, कहीं भी सरेआम बिक रही है। जो हमारे उच्च वर्ग के लोग हैं वो उन्हें पैसा देकर खरीद लेते हैं, मध्यम वर्ग के लोगों के पास पैसा होता नहीं है, वक्त नहीं होता, वो अपनी रोजी रोटी कमाने पर लगे रहते हैं और जो गरीब वर्ग के लोग हैं वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि हम ना चाहते हुए भी उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ता है। जब बात आज़ादी की हुई थी, जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों के कब्जे में था, उस वक्त वो देश तब तक गुलाम था जब कोई आगे नहीं बढ़ा था। हाँ, जैसे जैसे लोग आगे बढ़ते गए, जब सर्वव्यापी आंदोलन हुआ तभी ये चीज हमारे देश से उभर पाई, हमारा देश आज़ाद हो पाया। आज भी हमें एकजुट होने की ही जरूरत है। अगर कुछ भी हुआ है, अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो हमें सिर्फ एक चीज करना है, अपना एक कदम आगे बढ़ाना है। कभी अगर ऐसा गलत हुआ तो हमें एक दिन अपना छोड़ करके उस चीज का विरोध करना चाहिए, वो भी खुलेआम सरेआम ये विरोध करना चाहिए। ये नहीं कि हाँ आज मेरी ड्यूटी है, आज मुझे पढ़ाने जाना है, आज मुझे पढ़ने जाना है, ये व्यवस्थाएं तब तक गलत ही रहेंगी जब तक सिर्फ हम अपने कामों को देखते रहेंगे। अगर आप समाज को सुधारना चाहते हैं तो सबसे पहली जरूरत है कि आप समाज को देखिए, आप समाज को जानिए, आप समाज के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित होइए। बस इसके ज्यादा और हमें कुछ नहीं चाहिए। और मैं आप सब लोगों से, या फिर अगर किसी के पास ये मेरी बात जा रही हो तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कहीं भी आपको गलती नजर आए तो आप चुपचाप उसे सहना मत सीखिए, या फिर ये ना सोचिए कि ये मेरे से रिलेटेड नहीं है, ये हमारा समाज है, ये हमारा भारत है, ये अपना पुराना हिंदुस्तान है जिससे जिसकी आज़ादी के लिए कितने लाखों ने अपने लाखों लोगों ने अपना बलिदान दे दिया, हमें उसे बचाना है। हाँ, हमें अपने समाज को बचाना है। तो इसी के साथ ही मैं बस आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कहीं गलत हो तो वहाँ अपना कदम रोकिएगा नहीं, वहाँ एक कदम बढ़ने से पहले कतराइएगा नहीं, ये सोचिएगा अगर वो किसी के साथ भी हो, चाहे लड़का हो, लड़की हो, बूढ़ा हो या फिर जवान हो, किसी भी तरह का लोग किसी भी तरह का इंसान है, अगर उसके साथ थोड़ा सा भी गलत, वो हत्या ही नहीं, वो लूट ही नहीं, वो डकैती ही नहीं, अगर उसके साथ बुरा बर्ताव भी हो रहा है तो आपका पहला कर्तव्य बनता है कि आप उसके लिए आगे आए, आप उसके विरोध में कुछ करें, तभी ये देश सुधर सकता है। इसके अलावा ये गोष्ठी और ये कोई भी कार्यक्रम तब तक इफेक्टिव नहीं हो सकता जब इस चीज के लिए हम लोग नहीं आगे आए। बाकी चीजों के लिए धन्यवाद।